साला कितनी हॉट है ये लड़की ना, बहुत प्रिटी सेक्सी है, इसके लिए वोट करो। क्या इसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं उसके पास जा रहा हूँ, फिर उसका नंबर मिल ले लेकर आऊँ। कैसे अभी भी याद है कि शादीशुदा है ये? इससे मैं ऐसे कैसे घूम रही इधर उधर? लियोन, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? ये बहुत बोरिंग है, ये लड़का इतना अनोइंग है। शह, मैंने पूछा है क्यों? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? ओप्स, इस चाला पूल के अंदर डूब रही है, मदद करो। मैं तो रेडी भी नहीं थी। वेट, मुझे लगता लियोन एक्चुअली स्विम कर सकता है। क्या तेरी ऐसी की तैसी हो गई? तो मुझे लगा था लियोन मुझे बचाने वाला है, बट यही क्यों डूब रहा है? मुझे उसे बचाना होगा। तो तुम एक सुपरमैन नहीं हो आफ्टर ऑल। ये लड़की औसम है, इसने मैनेज कर लिया उसे बचाना। एम्बुलेंस को कॉल करो, इसके रास्ते में तुम्हें उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना होगा, यानी कि CPR। हाँ, CPR ये हमारा फर्स्ट केस नहीं है, बट ये सिर्फ एक्सीडेंट लास्ट मिनट और मैंने फील भी नहीं करी थी। सीन तुम्हें ही करना चाहिए, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई पिक्चर्स ले और स्टोरीज बनाए। हाँ, मैं शिट गाइस, देखो अभी मजे लो अपना। एक आदमी सुलीक को किस कर रहा है? जाग गया, ये सिर्फ एक्सीडेंट था, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला और लियोन इतने ब्रेव हैं, इतने ब्रेव थे कि वो एक दूसरे को बचा रहे थे। तो मैं डिसाइड करा कि मैं जो गिफ्ट है ना, इन्हें दे दूँगा। आई होप कि आपके पास एक हैप्पी नाइट हो एक साथ। ये गिफ्ट एक सूट कैसे हो सकता है? और इन्होंने इस जगह को इतना रोमांटिक भी बना दिया। इस चला मैंने नोटिस करा यहाँ पे तुम आ रहे, और लियोन के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे लगता है तुम एक साथ खुश रहोगे। तो मैंने सीन से कहा कि वो ना गिफ्ट को चेंज कर दे। मुझे लगा था कि मैं ये सबसे छुपा लूँगी, बट लुइस ऑलरेडी जानते हैं कि लियोन आया होगा। अभी अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? गॉश, मैं क्या सोच रही हूँ? बट वो वाटर में कूदा था मुझे बचाने के लिए। क्या इसका मतलब ये है वो मेरे बारे में केयर बहुत करता है? क्या मैटर है, मैं सिर्फ यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दो उस स्टूपिड थिंग के लिए जो मैंने करी थी, और मुझे अलाउ करो कंपनी में वापस जाने के लिए। सॉरी, बट मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकता, मुझे जाना होगा अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है। जल्दबाजी क्या है? क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं इस चालक के पास जाने का? ओह, जो बत्ती चली गई है, सब लोग केयरफुल रहना। जो सरप्राइज है ना उसे मिलेगा वो बहुत डरावना होगा। 5 मिनट बाद जो बत्ती है वो चली गई, और जो रूम मैंने इतना अकेला है, और यहाँ मैं अकेली हूँ। जो रूम इतना खाली और मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं थोड़ी डर गई हूँ कि मैं लियोन को कॉल करूँ ना, इतना एम्बैरेसिंग हो गया कि मैं फर्स्ट मूव करूँ। क्या तुम हो लियोन? ये डोर अचानक से ओपन क्यों हो गया? क्या ये तो नहीं? ओह शूट, मुझे सांस लेना रोकना होगा। ये ट्रिक पहले भी खेली गई है, मैं इस पर दोबारा से नहीं फंसूंगी। ये लड़का चाहता क्या है? क्या लियोन को सेटअप करना चाहता है? इस चाला तुमने पिक्चर ली और मैंने लियोन के साथ हो गई। मैं तुम्हें डोज देता हूँ तुम्हारी खुद की मेडिसिन का, अगर तुम अपनी विर्जिनिटी लॉस कर देती हो। लियोन तुम्हें तुम्हारी साइड ऑन नहीं रखेगा। आई डोंट, मैंने नहीं सोचा था गाइस कि ये ऐसा होगा। कॉरिडोर में स्टेला, क्या कुछ उसके साथ बैठ तो नहीं होगा? ये रूम है, क्या तुम वहाँ हो? स्टेला, गो टू हेल, उसकी आवाज़ है। स्टेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेम करने की? ये लो लियोन, तुम यहाँ हो? स्टेला, मुझे माफ़ कर दो कि मैं लेट हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो भी हुआ। तुम फाइनली यहाँ हो, मैं मुझे ऑलमोस्ट रेप कर लिया गया था, ये अब ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे इसका ध्यान रख लूँगा। रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे भाग पाओगे? मुझे नहीं पता तुम्हें किसने भेजा है। लियोन, ये मैं हूँ। सीन, तुम कैसे हो सकते हो? मैंने लियोन और अरना को डेट करते हुए देखा गार्डन में, मुझे लगा कि तुम बहुत अकेले पर महसूस कर रही होगी, तो मैं तुम्हें कंफर्ट देने के लिए आया। बट तुमने ये क्लोरोफॉर्म मुझ पर यूज़ करा था,
तुम हमारे पास कोई गुड इरादे नहीं थे, मैं तुम्हें एक चांस देता, मैंने तुम्हें एक चांस दिया जब तुमने वो डिज़ाइन लास्ट टाइम लीक करा था, बट ऐसे लगता है तुमने इसकी वैल्यू नहीं करी बिल्कुल भी। क्यों इसे ही क्यों होना है, एक मैजिक और है वो तुम्हारे पास पूरे समय कैसे हो सकती है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। शट अप, ये मेरी वाइफ है, अब तुम कोई पोजीशन में नहीं उसे जज करने के लिए। सिंस तुम्हें स्प्रिंग इतना इंजॉय करते हो, जाके के साथ जाओ, उसे ढूंढो। क्या हमारी फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं है स्टेला से कंपेयर करते हुए? जीज तुम क्या कर रहे हो, तुम सही नहीं लगे स्टेला। मैंने तुम्हें कॉल करा था जब बत्ती चली गई थी, बट तुमने फ़ोन पिक नहीं करा। क्या हुआ, एक्सप्लेन करने की कोशिश 30 मिनट बाद। लियोन सिंह गुड फ्रेंड्स है, बट अब उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी है मेरे वजह से। अच्छा, बट ये तुम्हारी गलती नहीं है, एक्चुअली ये सेम थिंग हुई थी ना, ये सेम चीज़ हुई थी जब हम हाई स्कूल में थे। सीन के पेरेंट्स ना अब्रॉड थे पूरे साल, तो वो हमेशा घर पे अकेला रहता था। वो बहुत रिच था बट अकेला। मैंने सुना था कि वो सुपर रिच है और रोल साइकिल्स लेकर आते स्कूल में हर दिन। ऐसी नो वंडर ये इतना फैट पिक लग रहा है, इसे तो बहुत अच्छे से खिलाया जाता होगा ना। अगर ये मुझे पे करेगा मैं उसके फ्रेंड बन जाऊँगा। वो बहुत लोगों से दूर था क्योंकि वो बहुत चबी था। तुमने इस पपी के मोम को मारा, प्लीज़ इसे मत हट करो, ये हमें वापस से दो फैटी। ये तुम्हारा डॉग नहीं है तो अपने काम से काम रखो उस दिन तक। बस आओ तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। लियोन उस सामने आया और उसकी दुनिया के अंदर एक सूरज की किरण बनकर आया। ये बहुत कूल था, तुमने उन्हें सिर्फ 2 पंचों से ही उन्हें गिरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, क्या हम फ्रेंड हो सकते हैं? और जब फर्स्ट ईयर थी ना, हमारा सीनियर है कि लियोन, हम बेस्ट फ्रेंड हैं इस पूरी दुनिया में, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। मैं भी पढ़ रहा हूँ, शांत रहूँ। हाँ, वो जो सीन था ना वो बहुत क्लिंगली था, यानी कि चुपका रहता था उससे पूरे दिन। उसने लियोन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ सच में बहुत टेरिबल करा और उसे वो लंगड़ी हो गई और उसे स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। सीन के पेरेंट्स ने ना उसे अब्रॉड भेज दी और लियोन ने ना सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसके शोल्डर पे। ये बहुत पेनफुल होगा ना उसके लिए। लियोन तुम्हें हार्टलेस लग सकता है बाहर से, बट वो सबसे ज़्यादा अफेक्शनेशन पर्सन है इंसान से। तुम जाके उसे कंफर्ट नहीं करती, तुम कंफर्ट क्यों नहीं करती अपनी बॉडी साजात को? तुम क्या बकवास कर रही हो, लोइसिस हमारे रिलेशनशिप ऐसा नहीं जैसा तुम सोचती हो। मुझे जाना होगा, इन्जॉय द नाइट, बेड पर जाओ, ये बहुत लेट हो रहा है। क्या अपने के कपड़े उतार रहे हैं, क्या कुछ करने वाला है? बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है, तुम कहाँ सोने वाले हो? ये किंग साइड बेड है, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सोफ़ा पे सोऊंगा? तुम्हारा शुक्रिया मेरे रेस्क्यू में आने के लिए। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आई गेस मैं सीन की फीलिंग ना समझ सकती हूँ। तुमने पूरा ब्लैंकेट ले लिया है, मुझे ठंड लग रही है। वेल, मैं थोड़ी चिंता कर रही हूँ कि कुछ बुरा हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा, मैं क्या करूँ, ये बहुत जल्दी आ रहा है। मैं इसे मना क्यों नहीं कर रही, इंस्टेड मैं सब चीज़ों की तरफ सोच रही थी कि कब हो। आई गेस मैं इन फन में इंक्लूड हो चुकी हूँ समय के साथ। क्या मैं कर सकता हूँ स्टेला? ओके, बट बी जेंटल। हाँ स्टॉप, यहाँ मत टच करो, शांत हो। ओ माय, क्या मैंने सच में इसके साथ सेक्स करे? क्या तुम ही वो नहीं हो जो पूरे दिन सेक्स सपने देख रही हो? मैं भी नहीं सो पा रहा। हाँ, क्या तुम मुझे जाने दोगी? मेरे पैरों के पास ना कुछ प्रेस कर रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है उसे मूव करने के लिए। शट अप, मुझे अभी जाकर चेंज करना होगा और घर जाना। शिट, मैंने ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोल दिया था इसके सामने। तो ये सिर्फ एक सपना था, क्या पीटी है।
अगले दिन लैबोरेटरी में ये कह रहे हैं कि सीन ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। अचानक से कैसे, क्या हुआ? वो रिच फैमिली से है ना, उसे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। वैसे भी सीन ने ना ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था ताकि वो लियोन के क्लोज हो सके। आई गेस, हेलो गाइस, मैं न्यू टीम लीडर हूँ और मेरा नाम है जोशुआ सांग। क्या हमारा चैम्पियन, क्या ये चैम्पियन है वर्ल्ड रोबोट कंपटीशन का 4 साल पहले? एक जीनियस है, इन्होंने कैसे मैनेज करा कि इतना बिग नेम को हमारे लीडर बनने के लिए अट्रैक्ट कर सकें? ये जोशुआ है, मैं न्यू लीडर हूँ, बट यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे सीखनी है। आई होप हम फ्रेंड बन सकते हैं। मैंने इतना हार्ड ट्राई करा था ताकि मैं सिटी जी यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाऊँ, क्योंकि मैं जोशुआ को इतना एडमायर करती थी, पर अब किसी कुछ रीज़न के लिए मैंने उसके बारे में कुछ सुना नहीं था उस कॉम्पिटिशन से। शाम के समय गेट ऑफ सिटी जी यूनिवर्सिटी। जोशुआ, ये बहुत लंबा समय हो गया ना, तुम इन लास्ट 4 सालों में कहाँ थे? मुझे लगा तुमने माइग्रेट कर लिया है। मैं अपनी हार्ट डिजीज ट्रीट कर रहा था। तुम्हारे पास हार्ट डिजीज थी कैसे? तुम वो जो पुलिस थे ना, तुम उन्हें भगा देते थे जब तुम लिटिल थे। मेरे लिए ये डिग्नोसिया था जब हमने चेकअप करा था कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, बट यूनिवर्सिटी ने ना कुछ एक्सप्रेशन करी मेरे गुड ग्रेड्स के लिए, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी कंपटीशन के बाद। जिन्हें गॉड पसंद करते प्यार करते हैं ना, वो यंग मर जाते हैं। मिसेस ल्यूक, मिस्टर ल्यूक है ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि आपको घर लेकर जा सकूँ। तुम शादीशुदा हो स्टेला? हाँ, ये लॉन्ग स्टोरी है, ये बहुत एम्बेरसिंग है इसे बताना उस आदमी को जिसे मैं पसंद करती थी कि मैं अब शादीशुदा हूँ। श्योर इनाफ सब कुछ बदल चुका है, ये सिर्फ 4 साल ही तो हैं आफ्टर ऑल। ये ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मैं शादी कर लुकी हूँ, बट यहाँ पे बहुत जल्द ही अभी या बाद में डिवोर्स होगा। डिवोर्स? के तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करता? हमारी जो मैरिज है ना, सिर्फ कोलैबोरेशन के बारे में, तो ये ऐसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो। मिसेस लुक, मिस्टर लुक आपको इंतज़ार करें घर पर ताकि आप कुकिंग करें। मुझे जाना होगा वरना वो मेरे में दोबारा गलती ढूंढेगा। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हूँ? आई गाइस, आई थिंक इसका क्रश है स्टेला के ऊपर। तुमने सडनली खाना क्यों खाना चाहते जो मैंने बनाया था लियोन? ये बहुत ओवरलोड है कि वर्कहोलिक आज ओवर टाइम काम नहीं कर रहा। मैंने सुना था कि तुम न्यू प्रोजेक्ट के लीडर को जानते हो लैब में बहुत अच्छी तरह से। ये मेरी तरफ बहुत नाइस था, और जो मेरे रिलेशनशिप है ना उसके साथ, वो हमारा जो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना सीन के साथ, वैसा ही है। मेरा पुराने वाला रिलेशनशिप सीन के साथ? क्या इसका मतलब है कि उसे वो पसंद करती है? मॉम और मॉम, डैड मुझे अब और नहीं चाहते, मुझे छोड़ दिया गया है। क्या पॉइंट है जीने का? संभल के, तुम्हें जीना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऑल थॉट, ये सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि मुझे बचाने के लिए मैं सच में टच हो चुकी थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने किसी से सुना कि वो मुझे पसंद करता है। बहुत ख़त्म करो, मैं और ये तुम्हारी स्टोरी ना सुनना नहीं चाहता। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम मेरी वाइफ हो? नो मैटर तुम किसे पसंद करती हो, तुम दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोच सकती जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं जानती हूँ थोड़ा ज़्यादा साउंड कर रहा है, मैं कुक करना चाह रही हूँ नैवा में, मुझे एज वेल ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा स्कूल गेट पे टुमारो मॉर्निंग, लैब जाने से पहले हम एक साथ जाएंगे। डैम इट, ये एक्चुअली हिम्मत कर रहे हैं मेरी नाक के नीचे डेट करने की? अगले दिन हम तुम्हारे स्कूल अरवाइव कर चुके हैं, क्या तुम्हें अभी भी याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट डेट? या शमे से ये ऐसा एक्ट कर रहा है कि कैदी को नज़र रख रहा है। बाय, गुड मॉर्निंग स्टेला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्प्रिंग रोल खरीदे जब मैं हमारे स्कूल के पास से गुजर रहा था। तुम्हें अभी भी याद है मेरे फेवरेट? कौन इतना अच्छा फूड को रोकेगा स्टेला? हाँ, ओ शिट, लियोन अचानक से क्यों, इसकी हिम्मत कैसे मेरे सामने स्टेला के साथ फ्लर्ट करने के? क्या सियोनिया लिप ग्रुप का? तो ये स्टेला का हस्बैंड है, मैं तुम्हें भूल गया था मॉर्निंग के इस दिन। अभी
मॉर्निंग किस ये कर क्या रहा है? जब तुम्हारी क्लासेस हो जाएंगी ना आफ्टरनून में तो सीधा बाहर आना और हम ओल्ड मैंशन एक साथ चलेंगे। मेरे फादर ना तुम्हारा फ्रूटी चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी ये जो लुक्स चाहते हैं मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि जैन क्यों एक स्कैन वहाँ क्रिएट करा था। स्टेला ने मुझे बताया था कि तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हो। प्लीज़ इसका ध्यान रखना स्कूल में, चिंता मत करो मिस्टर लोग। स्टेला के रिएक्शन से जज करते हुए तो ये नॉर्मली इतने क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे कुछ फिशी उनके बीच में चल रहा है। वेट, कुछ तो गलत फील हो रहा है। स्टेला तुम अच्छी नहीं लग रही क्या? तुम लियोन ने हमारा रिलेशनशिप अभी बता दिया किसी और के सामने, क्या तुम प्लीज़ मेरे पे एक फेवर करोगे जोशुआ? प्लीज, जो सीक्रेट है ना कि लियोन और मैं हस्बैंड वाइफ है, इसे सीक्रेट रखना। आफ्टर ऑल मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। श्योर, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक फेवर करो। मुझे डर है कि यही एक रीज़न नहीं है कि उसकी मैरिज कैंसिल करिए। मैं सिटी जी यूनिवर्सिटी आया क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड है ना, कि मेरी गर्लफ्रेंड यह है तो वो उसे देखना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड पेटेंट कर सकती हो। सॉरी बट मुझे डर है कि मैं अपनी करंट आइडेंटिटी के साथ ये सब नहीं कर सकती। वेल ये ठीक है, तो इसके पास अभी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर ये पास्ट में होता तो मैं ये और तो जाना तो मैं दूसरे आदमी के बारे में सोचना नहीं होगा। दफा हो यहाँ से। ये इवनिंग में लुक मेंशन चला, ये तो मैं देखने आई है चेरिस। ओ माय, इसने रिस्पॉन्स करा, उससे बात करो स्टेला। चेरिस तुम एक फादर बनने जा रहे हो तो तुम्हें जल्दी जगना चाहिए। तो उसने मुझे यहाँ बुलाया ताकि चेरिस ने कुछ कॉन्शियस कर लिए हैं। गॉड उसे ब्लेस करे। प्लीज़ उसे जल्दी जगा दो। स्टेला क्या तुम प्लीज़ मेरे फादर के लिए रोटी बना सकती हो? लियोन ने मुझे दूर जान मुझ के भेजा। ये क्या बात करने वाला है एम्बर से? लियोन, इस चाला ने ना चेरिश को एक मैसेज दिया और ना डॉक्टर भी कहते हैं ये हेल्पफुल है। तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारे पास, तुमने ऑलरेडी एक डॉटर इन ढूंढ लिया है ना, बट फॉर्चून टेलर ने कहा था कि मैरी का हॉरोस्कोप है ना वो चेरिश को मैच नहीं कर रहा और उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें इस साल शादी नहीं करनी चाहिए। इवन थॉट ये बेबी हो, इनके पास बेबी होने वाला है, कैसे होगा कि हम स्टेला को मैरी करने दें और उसका काउंटर अटैक करें उसके बैड लक को? ये फैमिली इतनी अनरियलेबल है, ये सिर्फ अपने वर्ड से पीछे दोबारा छुटाना चाहते हैं। वेल लियोन क्या एग्री करेगा एम्बर के साथ? जो सर्वेंट कह रहे थे ना कि हमारे पास गेस्ट है, ये तो टर्न हुआ कि तुम हो एक भिखारी क्यों फैमिली से? यह मैं एक भिखारी हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जो बेबी है ना तुम्हारी बैली में, उसमें अब अपने आप को बिहेव करो। मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है डरने के लिए। तुम बेटर के केयरफुल रहो स्टेला, तुम मर जाओगी अगर तुम तो गई अगर मैंने ल्यूक फैमिली के अंदर शादी कर ली। मुझे डर है कि वो तुम्हें एक बार ही छोड़ देंगे जब तुम इस बेबी को जन्म दोगे। लिविंग रूम, सर इन्होंने मुझे बताया कि आप फ्रूटी चाहते थे। तुम स्कूल में बिजी हो कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है? एक्चुअली मेरे पास एक न्यू बॉयफ्रेंड है आई गेस। ये एम्बर के जगह पे पूछ रहा है उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या हमारे ये गोल्स है? ये कुछ भी नहीं है तो आप इसके बारे में क्यों केयर करते? स्टेला मैंने सुना था कि तुम बिजी हो अपने न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट तुम्हारे स्कूल में, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? ओ मैं भूल ही गई थी, मुझे स्कूल वापस जाना होगा ग्रुप मीटिंग के लिए। आउच दर्द हो रहा है, जाओ और मैं इसक्यू के लिए कुछ दवाई लेकर आऊँ। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बखेट खड़ा मत करो, ये लेट हो रहा है मुझे जाना होगा। लियोन ने उन सबके सामने बोला कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे किसी तरह अपसेट फील हो रहा है, ये मुझसे इतना दूर है एक स्टार की तरह जो आसमान में होता है। डैमिट, फ्लैशबैक। एनी ने मुझे बताया कि तुम बहुत क्लोज हो स्टेला के, क्या तुम उस पूर गर्ल के प्यार में पड़ गए? किसी के वर्ड्स पर इतना जल्दी बिलीव मत करना, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और थोड़ी झूठी मैरिज है, मैं लोग फैमिली की रेपुटेशन है कोरत के कारण
ख़राब नहीं करूँगा, ये सही है। अगर तुम करते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा चेस के कंपनी फ्यूचर में लेना। लियोन्स विला, लियोन आज जो नाइट है ना वो ल्यूक के ओल्ड मैंशन में बिताने वाला है ना। लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? ये मेरा विला है, क्या मैं अलाउड नहीं हूँ वापस आना? मुझे लगा था कि तुम ना नाइट स्पेंड करने वाले ओल्ड मैंशन पे। वेल वेल के इत्तेफाक नहीं है, सिंस तुम चली गई थी और खुद को तुमने इतना इंटरेक्टिव बना दिया। मुझे याद दिला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे इंजॉय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता सही होगा, तुम भी तो ये सब चाहती हो है ना? क्या सच में ठीक है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ बी जेंटल, ये ज़्यादा दर्द नहीं होगा? ये सपना नहीं है क्या? ये दर्द हो रहा है, जो दर्द है रियल है। मैं इसके साथ हूँ, हर पार्ट मेरा, मैं इस मोमेंट को ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मैराथन भागे थे लास्ट नाइट। लियोन तो ये सस्ता, ये बेसली लियोन इसके हाथ मुझसे हटा नहीं रहा था। ये ऐसे लग रहा था कि इसने एक औरत को सालों में नहीं टच करा। मुझे यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि वो जितना जल्दी से उतना जल्दी। तुम्हें क्या लग रहा है तुम कहाँ जा रही हो? नर्सिंग होम ग्रीन पॉइंट स्ट्रीट्स, जल्दी सुबह। मैं इतना एम्बैरस्ड हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि लियोन और मैंने हमने वो, हाँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे लगता है कि आज कोई अपने दिमाग घर पे भूल गया। ओह जोशुआ तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे ग्रैंडमा को देखने के लिए आया था, ग्रैंडपा को देखने के लिए आया था आज। जब जोशुआ यहाँ आए तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ भी नहीं। कम ऑन ग्रैंडपा, ये सच नहीं है, मैं यहाँ आपको देखने आई हूँ। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट पेस्ट्री लेकर आई हूँ, तो हम तुम जानती हो कि मुझे कैसे खुश करना है। तुम बाद में कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, ठीक है? मैं खुद ही वापस चले जाऊँगी। मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टेला ये मेरे पेरेंट्स हैं। हाय मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग, जोशन करेंटली इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे इसे, शायद ये गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में बात कर रहा था। मॉम डैड ये स्टेला क्यों है? ये मेरी फ्रेंड है स्कूल से, मैंने आपको पहले बताया था ना, क्या लवली गर्ल है। तुम्हें इसे हमसे ऐसे छुपाना नहीं चाहिए था। इंडीड गुड थिंग कि हम ये बिना नोट्स करके आ गए, वरना कौन जाने कि हमारे पास कब चांस होगा हमारे फ्यूचर डॉटर इन लोग को देखने का। मॉम डैडी ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत फहमी हो चुकी है हमारे बारे में। ये ठीक है, मैं बुरा नहीं मानती, मैं भी नहीं। वेल मुझे कुछ है जो आफ्टरनून में देखना है तो मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। ये लंच टाइम होने वाला है, कैसा होगा कि तुम हमारे साथ लंच कर लो? यस कि पहले कुछ लंच कर लेते हैं इससे पहले कि तुम जाओ, हम वैसे भी इस एरिया से इतनी जाने पहचाने नहीं है ना। जोशुआ जाओ कार को लेकर आओ। हाँ इसी रास्ते, हम ना हमारे रास्ते में ही थे लंच करने के लिए, हम चाहेंगे कि तुम दोनों हमारे साथ लंच करो। अब मैं अपरेंटली जोशुआ की गर्लफ्रेंड हो ही गई हूँ उसके साथ लंच करने के लिए, उसके पेरेंट्स के साथ। अगर लियोन को उसके बारे में पता लग गया, ये रेस्टोरेंट एट नो, ये फेवरेट है, तुम्हारे फेवरेट है ना राई? थैंक यू बट मैं अपनी खुद ले सकती हूँ। तुम कितने साल की हो स्टेला? तुम कौन से कॉलेज में हो? मैं क्या ये लियोन लो, लियोन गैस मैंने अभी क्या देखा, स्टेला ना सॉन्ग्स के साथ लंच कर रही है और ये फुल फॉर्मल लग रहा है मेरे लिए। बेब इसने चार बहुत जल्दी काट दिया, मीटिंग को यहीं ख़त्म करो। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलना। और प्लीज़ मेरा बर्थडे 25 को है, 25 अप्रैल, तो आई होप आप लोग सब मुझे विश करें। थैंक यू।